शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा, श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा, श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा, श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा, श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा, श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा, श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ महान सूत्र है, ग्रंथ है, परम कल्याणकारी उपकारी ऐसा महान सूत्र आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी भगवान द्वारा यह सूत्रात्मक शैली में लिखा गया है, जिसकी भाषा संस्कृत है, जो 10 अध्यायों में विभाग इसके हैं। 7 तत्वों का वर्णन है। प्रथम से लेकर के 4th अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन पाया जाता है। प्रथम अध्याय में हम सभी लोग यहाँ पर सूत्र नंबर 7 पढ़ रहे हैं। महानुभाव, यह ग्रंथ की अपने आप में बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। एक एक विशेषताओं को हम रोज़ यदि समझते जाएं तो हमारे लिए बहुत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। देखिए, आचार्य विद्यानंदी जो 8वीं-9वीं शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने इस पर महान टीका लिखी है। 7 वॉल्यूम है, कम से कम 700-800-900 पेजों की एक पुस्तक है और 7 भाग हैं उसके, डिवाइड हैं। 7 भागों में इस तत्वार सूत्र की उन्होंने बहुत सुंदर टीका लिखी हुई है। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि उन्होंने सूत्र का एक पक्ष जो उमा स्वामी का रहा, तो दूसरा पक्ष उन्होंने अपना भी रखा और सूत्र के उल्टे क्रम भी सूत्र से बनाए। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरत्राणि मोक्ष मार्गः, ऐसा सूत्र, तो फिर बोले ये मोक्ष मार्ग है तो संसार मार्ग क्या है, तो बोले मिथ्या दर्शन ज्ञान चरत्राणि संसार मार्गः। तो देखो, उसमें हमको ज्ञान मिल गया, ये मोक्ष मार्ग है और यह संसार मार्ग है, अर्थात यह ग्रहण करने योग्य है और यह छोड़ने योग्य है, ये उपादे है और ये हे है। इस प्रकार से तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अतत्व श्रद्धानम मिथ्या दर्शनम। जो अतत्व हैं उनका श्रद्धान करेंगे तो वो मिथ्या दर्शन है, और तत्व का श्रद्धान करेंगे तो सम्यक दर्शन है। मैंने समझाने की उनकी जो शैली है, जो उनका विस्तार है, वो बहुत ही गजब का विस्तार रहा। तो कभी हमें लगे तो आचार्य विद्यानंदी जी महाराज जी की भी हमें इसकी टीका पढ़ना चाहिए। इतना महान ग्रंथ है कि सभी आचार्यों ने इसे स्पर्श किया है, इसे टच किया है, इसके बारे में लिखा है। उनको यह सूत्र ग्रंथ इतना बढ़िया लगा कि उनसे उनकी कलम रुकी नहीं और उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की वाणी का भव्य महल तैयार कर दिया इस सूत्र के माध्यम से।
तो हम चलिए आज का जो सूत्र है सातवां नंबर, जिसे अपन ने कल भी पढ़ा था, आज उसी को थोड़ा एक बार बोर्ड में देखते हुए और फिर आगे इसका विस्तार करते हैं। तो अपन ने देखा था तत्वार सूत्र प्रथम अध्याय सूत्र, एक अध्याय का सातवां नंबर सूत्र, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान, इन छहों से सम्यक दर्शन आदि और सात तत्व आदियों का जानने का उपाय हैं। इनके द्वारा हम सम्यक दर्शन को, रत्नात्रय को, जीवाजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष को अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और समझने के बाद हम उसे आत्मसात कर सकते हैं। ये बिल्कुल तरीका होता है किसी वस्तु तत्व को जानने के लिए। हमें जब निर्विकल्प होना है, अनुभूति प्राप्त करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा और जानने के बाद फिर हम पहले साविकल्प और साविकल्प से फिर निर्विकल्प। तो हम साविकल्प पूर्वक पहले जानते हैं और फिर उसका अनुभव करते हैं तो निर्विकल्प हो जाते हैं। इसलिए हम सम्यक दर्शन आदि को इसके माध्यम से आज जानेंगे। हम आगे चलते हैं इसको जानने के लिए। नमोस्तु आचार्य श्री, सम्यक दर्शन को जानने के क्या क्या उपाय हैं? सम्यक दर्शन को जानने के अपने पास इस सूत्र में 6 उपाय हैं। निर्देश से, स्वामित्व से, साधन से, अधिकरण से, स्थिति से और विधान से। सम्यक दर्शन का निर्देश, सम्यक दर्शन के स्वामी, सम्यक दर्शन का साधन, सम्यक दर्शन का अधिकरण, सम्यक दर्शन की स्थिति और सम्यक दर्शन के विधान, इसके माध्यम से हम सम्यक दर्शन को जान सकते हैं। और अच्छी तरह से जानने के लिए अपन यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा है, सम्यक दर्शन क्या है। ये निर्देश, अपन को सबसे पहले निर्देश करना है तो क्वेश्चन खड़ा होना चाहिए कि सम्यक दर्शन क्या है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन खड़ा नहीं होगा तो हमको उसके बारे में समझ में नहीं आएगा। हम प्रवचन कर रहे थे और कहा सम्यक दर्शन और उसको समझ में नहीं आया, तो वो खड़े होकर सबसे पहले यही पूछेगा सम्यक दर्शन क्या है, जैसे अभी आपने पूछा। तो सम्यक दर्शन क्या है, पहला इसी का नाम निर्देश है। जो इसका जो आंसर देना है, इसका जो उत्तर देना है, वो कहलाएगा निर्देश। क्या है, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। क्या बोले, फिर से, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप ही श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। आपा पर का भेद विज्ञान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। पर से ममत्व त्याग करके अपने सौ आत्मद्रव्य में स्थिर होना, श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की परिभाषा बनती हैं शाब्दिक रूप से, लेकिन सबका भाव अर्थ जो है एक ही है। वो क्या है, जीव आदि पदार्थों का क्या करना, श्रद्धान करना। जीव क्या है, अजीव क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, तो शरीर की बात को शरीर में डालना और जीव की बात को जीव में डालना। जो जीव का काम है जानना देखना, उसको जीव की तरफ डालना, और जो ये अजीव है, जो जड़ है, उसको जड़ में डालना। तो जड़ और चेतन को भिन्न करना, वो भिन्न अनादि से हैं ऐसा तो मानना, अनादि से दोनों अलग ही हैं, एक नहीं हुए हैं, एक स्थान पर, एक एरिया पर, एक क्षेत्र पर रहते हुए भी एक नहीं हैं, भिन्न हैं। पर मैं भिन्न मानता नहीं था, मैं उन दोनों को एक मानता था। अब मैंने स्वरूप को जानने के बाद यह जाना कि दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अपना स्वरूप अलग अलग रखते हैं। एक चेतनत्व स्वभाव है और एक का जड़त्व स्वभाव है, एक के अंदर ज्ञान है और एक के अंदर ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से जब मैंने जाना तो शरीर से मेरा मोह हट गया, मैं शरीर हूँ ये भी परिणाम हट गया, तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो निर्देश में सबसे पहले आपको क्या लिखा है, यहाँ पर निर्देश में सम्यक दर्शन क्या है इसका कथन करना है, पहला जानने का उपाय है। ठीक है,
अब आप आगे स्लाइड में लिखा है स्वामित्व, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, स्वामित्व। सम्यक दर्शन किससे होता है, किसके होता है? अब स्वामित्व में मालिक बताना है, उसका मालिक कौन है, स्वामी कौन है, उसका अधिपति कौन है, उसका अधिकारी कौन है। तो जानने के उपाय में दूसरे नंबर में चलेंगे अपन, सम्यक दर्शन किसके होता है। पहले में क्वेश्चन खड़ा हुआ था सम्यक दर्शन क्या है, तो अपन ने उसके बारे में बताया, पब्लिक को बताया, अपने को भी बताया। फिर स्वामी सम्यक दर्शन किसके होता है, तो दूसरा उपाय जानने का है सम्यक दर्शन को, तो सामान्य से की अपेक्षा जीव इसका स्वामी है। अजीब तो हो नहीं सकता, जड़ तो हो नहीं सकता, आकाश तो हो नहीं सकता, काल तो हो नहीं सकता है, तो कौन है इसका स्वामी? तो इसका स्वामी सामान्य से बोलो दो जीव है। अभी सामान्य से बोलो क्या है, जीव सम्यक दर्शन का स्वामी है सामान्य से। विशेष में क्या बोलेंगे, विशेष में खुलासा कर देंगे, तो कहाँ के जीव? बोले नारकी जीव, त्रियंच जीव, देव जीव, मनुष्य जीव, ये चार गति के जो जीव हैं वो क्या हैं, इसके स्वामी हैं। और भी खुलासा करना है तो इंद्रिय की अपेक्षा कर दो, पूरी 14 मार्गणा लगा दो। अपन ने गति से बता दिया कि चार गति के जो जीव हैं वो सम्यक दर्शन के, तो चार गति में सभी जीव क्या सम्यक दर्शन हो सकता है इनको? तो बोले नहीं, चार गति में भी जो पांच इंद्रिय वाले जीव हैं, कौन से जीव हैं? पांच इंद्रिय, एक इंद्रिय को नहीं, मतलब जो त्रियंच हैं उसमें एक इंद्रिय भी होता है, दो इंद्रिय भी, तीन इंद्रिय भी, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, इनको तो हो ही नहीं सकता। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच, और फिर संगी मनुष्य, और नारकी और देव, ये सब संगी होते हैं। तो पांच इंद्रिय वाला जीव होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए। तो संगी पर्याप्त सबको हो सकता है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, भव्य भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभव्य को नहीं होगा, जो भव्य है, जिसमें योग्यता है, जिसमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की शक्ति है, ऐसा भव्य जीव को, उसका भव्य जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है और वो उसका मालिक हो सकता है। तो क्या सभी भव्य जीव को हो जाएगा? नहीं, जो पुरुषार्थ पूर्वक तत्व का निर्णय करेगा, जो तत्व को समझेगा, आपा पर का ज्ञान लेगा, या जिसकी काल लब्धि आ जाएगी, जिसका संसार जो है कम बचा हुआ है, ऐसा भव्य जीव को निमित्त मिलने से, देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिलने से, देशना लब्धि मिलने से, उसे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, वो सम्यक दर्शन का मालिक बन जाएगा, स्वामी बन जाएगा। समझ में आ गया ना आपको? सामान्य से इस सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन है, इस सम्यक दर्शन का अधिकारी जीव है, इतना आपको सामान्य से बोलना है। इसका विशेष कथन करना हो तो समझाने के लिए भैया, जो संगी हो, पंचेंद्री हो, पर्याप्तक हो, भव्य जीव हो, आसन्न भव्य जीव हो, जो अभी निकट भव्य जीव हो, वह जीव भगवान की, गुरु की, शास्त्र की देशना लब्धि लेकर के सम्यक दर्शन को प्रकट करके उसका मालिक बन सकता है। इस प्रकार से स्वामी बताया अपन ने, क्या बताया यहाँ पर? स्वामी। अब इसके बाद साधन, तीसरा नंबर क्या है? साधन। सम्यक दर्शन जानने के उपाय पूछा था ना, तो पहला हो गया निर्देश, दूसरा हो गया स्वामी, और तीसरा अब यहाँ पर साधन। यहाँ पे लिखा है, स्लाइड में देखिए, साधन लिखा हुआ है। साधन में क्या दिया है? सम्यक दर्शन का साधन मतलब कारण क्या है। पहले में क्वेश्चन किया था सम्यक दर्शन क्या है, इसके किसको होता है, और सम्यक दर्शन का कारण क्या है, साधन क्या है, उत्पत्ति के कारण क्या है। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के दो कारण लिखे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, बाह्य कारण और अंतरंग कारण। बाह्य कारण, अभ्यंतर कारण, दो कारण उत्पत्ति के, कितने कारण? दो। बाह्य कारण और अभ्यंतर कारण। आपके पास कॉपी पेन हो तो आप नोट करते जाइए, लिखते रहिए और इसको याद भी कीजिए। बाह्य कारण क्या है? तो बाह्य कारण जैसे धर्म श्रवण, धर्म का श्रवण, धर्म का उपदेश मिलना, देशना लब्धि मिलना। जाति स्मरण, दूसरे नंबर लिखा है ना, जाति स्मरण, आपको पिछला याद आ जाए, भगवान को देख करके, भगवान का जुलूस निकल रहा था, शोभा यात्रा निकल रही थी, रथ यात्रा निकल रही थी, जैसे भगवान को देखा, अरे पीछे का याद आ गया, ऐसे भगवान तो मैंने पहले भी देखे थे, ओहो सच्चे भगवान को मैंने माना नहीं था और यहाँ मिथ्या मार्ग में लगा रहा, उसके कारण उसको क्या हो गया, जाति स्मरण होकर के सम्यक दर्शन हो जाए,
तो बाह्य कारण में भगवान का जो अपने जाति स्मरण है उससे भी सम्यक दर्शन हो सकता है। जिन बिंब दर्शन, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से ओहो ये है वीतरागता, ये है परमात्मा और ऐसा ही मैं भी बन सकता हूँ, इस भाव से जिन बिंब के दर्शन करने से, और वेदनानुभव, दुखानुभव, दुख का अनुभव कहाँ पर? नरक में। नरक में नारकी जीवों को दुख मिलता है, वो अपने अविधि ज्ञान से, जाति स्मरण से, वह जो दुख का जो अनुभव हुआ है उससे यह उनको ज्ञान होता है कि ओहो मैंने पहले असंयम का पालन किया, संयम पालन नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, जिन धर्म को नहीं माना, मिथ्या मार्ग में लगा रहा, शरीर के लिए अपना मानता रहा, इसलिए मुझे ये दुख का अनुभव हो रहा है, दुख मुझे प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा दुख का अनुभव करने से उसको वहीं पर सम्यक दर्शन की क्या हो जाए? प्राप्ति हो जाए। फिर दिया देव रिद्धि दर्शन। देव रिद्धि दर्शन का मतलब क्या है? देवताओं की जो रिद्धि है उसको देखने से, एक छोटा देव है, बड़े देव की रिद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य, वैभव देखता है तो वो मन में क्या लाता अपने विधि ज्ञान से? ओहो मैंने देखो पहले धर्म नहीं किया, सत्कार नहीं किया, अपने को नहीं जाना, इसलिए मुझे ये छोटा देव बनना पड़ा, इन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इसका फल इनको बड़ा वैभव मिला, बड़ा सम्मान मिला, ऐश्वर्य मिला, तो उसको उससे भी क्या हो जाता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। ये सब बाह्य कारण हैं, बाह्य जगत के वस्तुओं को देख करके उसे अपनी आत्मा याद आ जाए, सच्चे परमात्मा याद आ जाए और उस पर श्रद्धा हो जाए, तो ये बाह्य साधन हैं। क्या है? बाह्य साधन हैं। अंतरंग साधन क्या है? अभ्यंतर साधन क्या है? बाह्य साधन हो, सम्यक दर्शन हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन नियामक रूप से अंतरंग के साधन होना बहुत जरूरी है। अंतरंग के साधन होंगे तो बाहर का कोई भी एक साधन होगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसलिए अंतरंग साधन में, आभ्यंतर साधन में क्या दिया हुआ है? पहला दर्शन मोहिनी का क्षय, जो मिथ्यात् प्रगति है, दर्शन मोहिनी प्रगति है, उसका क्या होना? क्षय होना, नष्ट होना, ये अंतरंग साधन है, अथवा उसका उपशम हो जाना। वो मिथ्यात् अनंतनवंदी जो कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, तीव्र वाला जो है, मिथ्या बुद्धि जो है, मिथ्या कर्म जो है, वो क्या हो जाए? शांत हो जाए, वो उपशम। ठीक है, क्षयोपशम में क्या है? उसकी शक्तिहीन हो जाए और उसको दबा भी दिया जाए भावों के परिणामों के माध्यम से। तो अंतरंग में जो तेरी विशुद्धि बढ़ी है, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि आदि जो हुई है, उसके कारण तेरा क्या हुआ है? मिथ्यात् और अनंतमंदी का क्या है? उपशम, क्षय, क्षयोपशम हो गया है। जो ये अंतरंग कारण है, आभ्यंतर कारण है, सम्यक दर्शन को उत्पन्न होने के ये अंतरंग कारण है। समझ में आया? बाह्य कारण और अंतरंग कारण, ये दो कारणों से सम्यक दर्शन का साधन इकट्ठा होता है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो इस प्रकार से तीसरी बात हो गई, पहला निर्देश, दूसरा स्वामी और तीसरा साधन। अब अपन चौथा देखते हैं। चौथे में यहाँ क्या लिखा है? अधिकरण। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अधिकरण, क्या लिखा है इसमें? सम्यक दर्शन का अधिकरण, आधार क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा हुआ, इसका आधार क्या है? किस आधार से बात कर रहे हैं आप? इस सम्यक दर्शन का क्या आधार है? तो इसके भी दो कारण हैं, एक बाह्य, दूसरा आभ्यंतर। बाह्य मतलब बाहर और आभ्यंतर मतलब अंदर। तो दो इसके भी कारण हैं। कौन से कारण हैं? सम्यक दर्शन का आधार क्या है? तो लोक का क्षेत्र जहां है वो सम्यक दर्शन का आधार है। पूरा जो तीन लोक है, ये त्रस नाड़ी जिसमें त्रस जीव पाए जाते हैं, वो तीन लोक में वो त्रस नाड़ी है, ये सम्यक दर्शन का आधार है, क्योंकि तीनों लोकों में जीव होते हैं, तो जहाँ जीव है वहाँ सम्यक दर्शन हो सकता है। इसलिए इसका बाह्य आधार, बाह्य आधार क्या होगा? तीन लोक में जो त्रस नाली है, लोक नाली है, वह क्या है? सम्यक दर्शन वहां पाया जाता है। लोक का जहां क्षेत्र है वहां सम्यक दर्शन पाया जाता है। इसलिए बाह्य आधार, बाह्य आधार क्या हुआ? लोक नाली, त्रस नाली। ठीक है, अंतरंग में क्या हुआ? जिस पदार्थ में सम्यक दर्शन पाया जाता है। ये तीन लोक जो आधार है उसमें सभी जीवों को हो जाता है क्या? बोले नहीं नहीं, जिसने इसको पाया है, जिसने इसको ग्रहण किया है, मतलब जीव स्वयं,
जीव स्वयं, जो जीव स्वयं है वो इसको सम्यक दर्शन का आधार है। ये शरीर नहीं हो सकता, ये जड़ भौतिक पदार्थ नहीं हो सकता, ये तीन लोक नहीं हो सकता। तीन लोक में जो जीव है, भव है, जिसने इसको ग्रहण किया है, तो जीव ही स्वयं इस सम्यक दर्शन का आंतरिक आधार है। तो इस प्रकार से आधार भी अपन ने दो प्रकार से पढ़े। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर आई हुई है, स्थिति, जो अपना ये पांचवा नंबर का जो स्थिति, इसकी काल मर्यादा, ये सम्यक दर्शन कब तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा, तो यहाँ पर उसकी बात पढ़ते हैं। क्या लिखा है, सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी है, यानी कितने काल तक रहता है, कितने समय तक रहता है। तो यहाँ पर लिखा है स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट। जघन्य मतलब सबसे कम, उत्कृष्ट मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। तो जघन्य कितनी है, अंतर मुहूर्त। सम्यक दर्शन किसी जीव को यदि हो जाए तो कम से कम कितनी देर तक, मतलब संबंध से, मतलब श्रद्धा, अपन को सच्ची श्रद्धा हो जाए, तत्व की रुचि हो जाए, लगन हो जाए, तो कितनी देर तक हो सकती है, तो कम से कम अंतर मुहूर्त। अब देखो भैया, अंतर मुहूर्त के भी बहुत भेद होते हैं। सबसे छोटा अंतर मुहूर्त आवली प्लस एक समय, असंख्यात समयों की एक आवली होती है। अपने ये आँख की पलक जितने बार बंद हुई, खुली, इसमें असंख्यात समय लग गए, तो असंख्यात समयों की एक आवली, और आवली प्लस एक समय, उसे कहते हैं सबसे छोटा अंतर मुहूर्त। सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त कौन सा, 48 मिनट में एक समय कम, कितना, 48 मिनट में एक समय कम, वो सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त। और इसके जो बीच के जितने भी हैं वो असंख्यात अंतर मुहूर्त बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त के अंदर भी बहुत सारे अंतर मुहूर्त बन जाते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जघन्य अंतर मुहूर्त लेना है, कौन सा अंतर मुहूर्त लेना है, आवली प्लस एक समय। अपने ये चुटकी बजाई, इसमें कितने समय लग गए, अरे असंख्यात आवली हो गई इसमें, असंख्यात आवली, और एक आवली एक समय सबसे छोटा बता रहे हैं जघन्य अंतर मुहूर्त। इतने मात्र को सम्यक दर्शन हुआ, फिर छूट गया, श्रद्धा हुई, अभी समझाया, आहा बड़ा आनंद, ओहो ऐसा है, श्रद्धा हुई, बाद में छूट गई, तो आई और गई, तो उसको कहते हैं औपशमिक सम्यक्त। जो औपशम समदर्शन है वो, उसकी जो काल मर्यादा है वो कितनी है, मात्र जघन्य अंतर मुहूर्त की है। इसके बाद वो नियम से या तो सम्यक दर्शन की और अपने को रुचि बढ़ा करके सम्यक दर्शन को चेंज करे, अथवा वो मिथ्यात् में पुनः पहुंच जाए। पर उत्कृष्ट में क्या दिया है, उत्कृष्ट में संसारी जीव की अपेक्षा क्षोपशम सम्यक दर्शन 66 सागर, कितना सागर, 66 सागर, उसे क्षोपशम सम्यक तो कहते हैं। जो एक जीव है वो 66 सागर तक लगातार उसकी श्रद्धा तत्व के प्रति, आत्म तत्व के प्रति बन सकती है, और लगातार बन जाएगी तो नियम से छायिक हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। तो 66 सागर कैसे, देव में गया, 20 सागर में, फिर ऐसे 24 सागर में, फिर मनुष्य बना, फिर देव बना, फिर मनुष्य, तीन बार में इस प्रकार देव बनने से उसकी 66 सागर पूरी हो जाएगी। तो 600 सम्यक दर्शन उसका लगातार बना रह सकता है, फिर मोक्ष हो जाएगा। और मुक्त जीव की अपेक्षा छायिक सम्यक दर्शन सादी अनंत, जो सम्यक श्रद्धा उत्पन्न तो हुई है, अब समाप्त नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होगी, अनंत अनंत काल तक श्रद्धा बनी रहेगी। जो अपन को सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, वो अनंत काल तक अब बना रहेगा, वो मुक्त जीव की अपेक्षा। इस प्रकार से क्या हो गई, काल स्थिति, वो जो श्रद्धा, जो वो रुचि, वो जो निष्ठा अपने आत्म तत्व के प्रति, अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति, परम तत्व के प्रति जो प्रकट हुई है, वो कितनी कितने काल तक, कौन कौन से, तो उसकी तीन वैरायटी हो गई, औपशमिक, क्षयोपशमिक और छायिक। लास्ट जो बचा हुआ है वह यहाँ पर अपन देखते हैं, सम्य, यहाँ स्लाइड देखिए, लिखा विधान, विधान देख रहे हैं, लिखा विधान, सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, प्रकार हैं। तो सामान्य से सम्यक दर्शन तो एक, श्रद्धा एक, सामान्य से श्रद्धा एक, तो एक भेद। दो प्रकार के निसर्गज और अधिगमज, जो पर के उपदेश से उत्पन्न होता है वो अधिगमज, और जो स्वयं प्रकट होता है श्रद्धा वो निसर्गज, उसकी अपेक्षा से दो। और औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक की अपेक्षा से
तीन प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। शब्दों की अपेक्षा संख्यात प्रकार का, जितने शब्द उतने प्रकार का वह संख्यात प्रकार का सम्यक दर्शन हो सकता है। श्रद्धान करने की अपेक्षा से असंख्यात प्रकार का, आप भी श्रद्धान करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, तो कितने जीव, तो असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि हैं, तो उसकी अपेक्षा श्रद्धान की अपेक्षा से कितने प्रकार का हो गया, वो असंख्यात प्रकार का हो गया। और श्रद्धे पदार्थों की अपेक्षा, पदार्थ कितने हैं, अनंत हैं, उन अनंत पदार्थों के स्वरूप का वैसा ही श्रद्धान करना, तो उन श्रद्धे पदार्थों की अपेक्षा से अनंत प्रकार का सम्यक दर्शन हो जाता है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये सम्यक दर्शन के उपाय हैं कि सात प्रकार, छह प्रकार से हमने सम्यक दर्शन को जाना, ऐसे सम्यक ज्ञान को जानना, ऐसे सम्यक चारित्र को जानना, ऐसे समस्त तत्वों को जानना, जिससे आपका हमारा श्रद्धान मोक्ष मार्ग बढ़ेगा और हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। नमोस्ताचार्य श्री, हम जीव आदि पदार्थ में भी ये सूत्र लगा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, हम पढ़ ही इसी बात के लिए रहे हैं, शुरू अपना सूत्र ही प्रारंभ हुआ, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम। अब इसको जानने के उपाय अपन ने पढ़े, नाम स्थापना द्रव्य भाव, फिर पढ़ा प्रमाण और नए, और अब ये वाला सूत्र पढ़ा अपन ने, निर्देश स्वामी साधना अधिकरण स्थिति विधान, इन सबको जानने के उपाय हैं ये। और फार्मूला जो होता है, ऐसा फार्मूला आचार्य भगवान ने बनाया है कि जो सब में लगेगा, जीव में, अजीव में, आश्रव में, बंध में, संबर में, निर्जरा में, मोक्ष में, जैसे मैंने आपको सम्यक दर्शन में लगाया तो आप सम्यक ज्ञान में लगाइए, सम्यक चारित्र में लगाइए, सभी में लगाइए। जैसे जीव निर्देश, तो जीव जो चेतना है, जिसमें चेतना पाई जाती है वो जीव है, कौन मालिक है, वो स्वयं जीव अपना अपना मालिक है। साधन कैसे उत्पन्न हुआ है, अनादि अनंत है, ये आदि से है और अनंत काल है, ऐसा वो साधन है। अधिकरण, इसका आधार क्या है, बाह्य से तीन लोक, और वैसे स्वयं अपना जीव स्वयं आधार है। इसकी स्थिति कैसी है, अनादि अनंत है, अजर अमर है, ये कभी जन्म नहीं लिया और ना ही कभी मरण होगा। और वैसे गति की अपेक्षा, जितनी जितनी आयु है उस कर्म की अपेक्षा जन्म और मरण भी है। विधान कितने प्रकार का है, संसारी और मुक्त। संसारी में भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, इस प्रकार से आप भेद प्रभेद करते जाइए, सारा सिद्धांत समझा जा सकता है, सारा भगवान की आगम वाणी इन छह निर्देशों से अपन समझ सकते हैं। इस प्रकार से सात तत्वों में, रत्नात्रय में और अनेक पदार्थों में इसे लगा करके हमें अपने ज्ञान की बुद्धि को बढ़ाना चाहिए, जिन आगम में श्रद्धा प्रकट करना चाहिए। शेष विषय कल। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारु जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्म पत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिंपल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हार्दविक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।